हेलो एवरीवन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप किसी भी मेडिसिन को देखकर उसके यूज़ का कैसे पता लगा सकते हो यानी कि दवा के नाम से ही दवा का काम कैसे आप पहचान सकते हो इस बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे देखिए दो चीज़ें होती हैं एक होता है प्रिफिक्स जो कि किसी के नाम के आगे लगता है उसको प्रिफिक्स बोलते हैं और एक होता है सफ़िक्स जो किसी के नाम के पीछे लगता है तो हम सफ़िक्स को देखकर ही पता लगाएंगे कि इस दवा का क्या काम है क्या इसका यूज है और साथ में ये भी पता लगाएंगे कि जो ये दवा है ये किस ग्रुप या फिर किस कैटेगरी से बिलोंग करती है तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हम सफिक्स देख पहचान सकते हैं ठीक है अब कैसे पहचान सकते हैं वो मैं एक एक एग्जाम्पल आपको देता चला जाऊँगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वन बाई वन करके देख लेते हैं देखिए सबसे पहले आता है सफिक्स आता है फिनेक अगर किसी मेडिसिन के पीछे फिनेक लगा हुआ है जैसे एग्जाम्पल क्या है डाइक्लोफेनिक हो गया एसिक्लोफेनिक हो गया तो अगर फिनेक वर्ड लगा हुआ है तो वो जो दवा है वो नेसेड्स ग्रुप से बिलोंग करेगी नेसेड्स का मतलब होता है नॉन स्टीरोडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स तो नेसेड्स ग्रुप की दवा से वो बिलोंग करती है और फिनेक वर्ड जिस भी दवा के पीछे लगा हुआ है उसका काम क्या होगा उसका काम होगा रिड्यूस पेन दर्द को कम करना रिड्यूस फीवर बुखार को कम करना रिड्यूस इन्फ्लामेशन यानी कि बॉडी के अंदर कहीं भी सूजन है उसको कम करना तो केवल हमने देखिए जैसे कि आपके पास ये टैबलेट है आपने देखा कि इसका नाम है डाइक्लोफेनिक और इसमें फिनेक वर्ड लगा हुआ है और आपको पता है कि फिनेक से देखकर हम यूज़ का पता लगा सकते हैं तो जैसे ही आपने देखा कि इसके पीछे फिनेक लगा है तो आपके माइंड में आया कि ये दो दवा है ये तो नेसेड्स ग्रुप से बिलोंग करती है और इसका जो यूज है वो इसका ये यूज होता है ठीक है पेन फीवर और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए ये यूज़ में आती है तो देखिए आपने यहाँ से क्या देखा कि केवल सफिक्स को देख कर आपने दो चीज़ों के बारे में यहाँ पता लगाया कि एक तो ये दवा किस ग्रुप से बिलोंग कर रही है और दूसरा आपने पता लगाया कि इसका यूज़ क्या है कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है तो दो चीज़ों के बारे में आपको केवल सफिक्स देख कर इसके बारे में पता लग गया नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए और आपको क्लैरिफाई होगा नेजोल अगर किसी दवा के पीछे नेजोल लगा हुआ है जैसे कि फ्लू इसके पीछे नेजोल है इट्राकोनाजोल ईकोनाजोल मिकोनाजोल कीटोकोनाजोल ऑक्सीकोनाजोल तो जो भी मेडिसिन के पीछे नेज़ोल वर्ड लगा है वो जो मेडिसिन है वो एंटी फंगल ग्रुप से बिलोंग करती है वो एंटी फंगल मेडिसिन होती है यानी कि अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए इन मेडिसिन का यूज किया जाता है ओके नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है अगर सेट्रोन वर्ड किसी के पीछे लगा हुआ है सेट्रोन अगर सफिक्स है देखिए यहाँ पे एग्जांपल है ओंडेन सेट्रोन का यहाँ पे आपको पीछे क्या दिख रहा है सेट्रोन ओंडेन सेट्रोन है ग्रेनी सेट्रोन है पेलोनो सेट्रोन है रेमोसेट्रोन है तो जिस भी मेडिसिन के पीछे सेट्रोन वर्ड लगा है वो जो दवा है वो बिलोंग करती है एंटी एमेटिक से यानी कि वो वोमिटिंग यानी कि वो उल्टी को रोकने का काम करेगी तो इसका यूज़ क्या होगा इसको नोजिया और वोमिटिंग में यूज़ किया जाएगा नोजिया का मतलब है जीमी चलाना या फिर उल्टी आने जैसा लगना और वोमिटिंग का मतलब है उल्टी आना तो नोजिया जीम चला रहा हो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है और अगर उल्टी आ रही हो तो वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है तो इस तरीके से केवल आप मेडिसिन का नाम देखकर और मेडिसिन के पीछे जो सफ़िक्स है उसको देखकर पता लगा सकते हो कि इसका क्या तो यूज है और किस ग्रुप से ये बिलोंग करती है ठीक है तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता लग जाएंगी अब मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप अच्छे से ये चीज़ें सीखना चाहते हो याद करना चाहते हो अगर आप स्टूडेंट हो तो आप एक कॉपी पेन ले लीजिए और जो जो भी मैं बोल रहा हूँ जो जो भी आपको इस स्लाइड पे दिख रहा है वो सब नोट कर लीजिए आपके बिल्कुल काम आने वाला है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है इरामाइन अगर ये सफिक्स है किसी मेडिसिन के पीछे इरामाइन लगा हुआ है एग्जाम्पल क्या है फिनेरमाइन क्लोरिफिन जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पिक्चर के अंदर भी ठीक है तो ये इरामाइन वर्ड जहाँ भी लगा हुआ है सफ़िक्स लगा हुआ है तो ये जो दवा है ये एंटी एंटी हिस्टामिनिक्स ग्रुप से बिलोंग करती है यानी कि ये एंटी एलर्जिक होती है इनका जो काम होता है जो ये यूज होता है वो एलर्जी के अंदर होता है एलर्जी को ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है प्रिल अगर किसी दवा के पीछे प्रिल लगा हुआ है प्रिल जैसे कि कैप्टोप्रिल प्रील, रेमी प्रील, रेमीप्रिल प्रील ये जो दवा हैं जिनके पीछे प्रिल लगा हुआ है ये ए सी होते हैं ठीक है ए सी होते हैं ए सी का मतलब क्या है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम तो ये इस एंजाइम को इनिवीट करते हैं ठीक है तो इसके काम करने की जो तरीका है उसको इनविट कर देते काम नहीं करने देते इस एंजाइम को ठीक है तो ऐसे ही होते हैं और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है इन सब मेडिसिन का जिसके पीछे प्री लगा हुआ है इनका यूज़ हार्ट अटैक में किया जाता है किडनी कमजोर होती है वहाँ किया जा सकता है स्ट्रोक जो आता है तो स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए इनका यूज किया जाता है स्ट्रोक का ट्रीटमेंट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है और हाई बीपी यानी कि अगर किसी को किसी का जो बीपी है यानी कि जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो गया है तो भी वहाँ पे इनका यूज किया जाता है तो प्रिल वर्ड देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये जो मेडिसिन है ये ए सी है और इसका यूज़ बी को कम करने के लिए हार्ट अटैक में और किडनी प्रॉब्लम्स के अंदर किया जाता है ठीक है तो ये ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से एक सफिक्स वर्ड से सफिक्स को देखकर मिल रही है ठीक है जैसे आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा इन एल तो यहाँ पे आप प्रिल वर्ड देख देखते ही आपके माइंड में आएगा कि ये दवा तो ए सी इनिवीटर है और यहाँ यहाँ इसका यूज़ किया जाता है वैसे ही एक और दिख रहा होगा कैप्टोप्रिल तो यहाँ भी प्रिल लगा हुआ है तो जैसे ही आपको तुरंत याद आएगा कि ये ए सी इनिवीटर है तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको याद करनी पड़ेंगी आपको पता होना चाहिए कि ये जो सफिक्स है ये अगर आएगा तो इसका ये यूज़ है और इस कैटेगरी से ये दवा बिलोंग करती है तो ये आपको याद करना पड़ेगा और याद करने का सही तरीका क्या है सही तरीका होता है कॉपी लीजिए पेन लीजिए और जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ जो भी चीज़ें आपको स्लाइड पे दिख रही हैं वो सब आप कॉपी के अंदर लिख लीजिए और फिर बाद में इसको याद कर लीजिए तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने कुछ मेडिसिन के सफिक्स को देख पहचाना कि इसका यूज़ क्या है और ये किस कैटेगरी से बिलोंग करती है तो ये जो हमारी वीडियो है ये फर्स्ट पार्ट था सेकेंड पार्ट भी हम लेके आएंगे तो सेकेंड पार्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा ठीक है तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी समझ भी आई होगी तो आगे और मेडिसिन के बारे में देखेंगे कि क्या क्या सफिक्स है जिससे कि आप सफ़िक्स देख ही उसके यूज़ का पता कर सकते हो तो आज की वीडियो में इतना ही तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर